अगर आप अपने 30s में हैं और जानना चाहते हैं कि आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रक्चर्ड मैनर में कैसे कर सकते हैं ताकि आपका पैसा आपको कंट्रोल ना करे बल्कि आप अपने पैसे को कंट्रोल करें, तो ये वीडियो सेशन आपके लिए ही है। इस वीडियो सेशन में मैं कवर करने वाली हूँ 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग का स्टेजेस होता है, जिसको अगर आप कवर करें तो आपका जो पर्सनल फाइनेंस है वो पूरी 360 डिग्री व्यू में कवर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के 7 स्टेजेस। देखिएगा ये वीडियो एंड तक ताकि आप कर पाए अपना फाइनेंशियल जीनियस एक्टिवेट एंड कैन टेक बेटर कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर। मैं हूं सलमा सोनी, अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लान। तो चलिए फिर देखते हैं कि क्या क्या वो 7 स्टेजेस हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, जिसको अगर आप कवर करेंगे तो आपका पर्सनल फाइनेंस 360 डिग्री व्यू में कवर हो जाएगा और आप अपने पैसे को कंट्रोल करेंगे, ना कि आपका पैसा आपको कंट्रोल करेगा। सो हियर यू गो। स्टेज नंबर 1 इज ऑल अबाउट रिस्क कवर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके पर्सनल लाइफ में क्या क्या रिस्क हैं जिसके होने के चलते फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा आपको या आपकी फैमिली को। स्टेज नंबर 2 इज ऑल अबाउट ओनिंग अ हाउस। यहाँ पे हम देखेंगे कि हाउस को ओन करना, जो कि सारे इंडियंस का एक सपना होता है, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। थर्ड स्टेज इज ऑल अबाउट डेट फ्री। तो हम यहाँ पे इस स्टेज में ये कवर करेंगे और देखेंगे कि आप डेट फ्री कैसे हो सकते हैं। फोर्थ स्टेज इज ऑल अबाउट सेविंग्स फॉर योर गोल्स। यहाँ पे हम वो सारे गोल्स को कवर करेंगे जो कि आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है सारी फैमिली का। स्टेज नंबर 5 इज अबाउट रिटायरमेंट प्लानिंग। तो रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान पे रखनी चाहिए, और बहुत बार इसको फाइनेंशियल फ्रीडम गोल भी बोलते हैं। तो आप इन रियलिटी फाइनेंशियल फ्री कैसे हो सकते हैं या रिटायर कैसे हो सकते हैं, उसके पहले क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी होगी। स्टेज नंबर 6 इज ऑल अबाउट पैसिव इनकम। तो क्या आप अपना ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो कि आपको पैसिव इनकम दे, सो हम इसके बारे में भी बात करेंगे डिटेल में। और स्टेज 7 इज ऑल अबाउट डिस्क्रिशनरी गोल। यहाँ पे वो सारे गोल्स आएंगे जो कि आपका वांट है, ना कि नीड। तो इस तरह फाइनेंशियल प्लानिंग में 7 स्टेजेस कवर करते हैं। तो चलिए अब कवर करते हैं डिटेल में। स्टेज नंबर 1 इज ऑल अबाउट रिस्क कवर। तो रिस्क कवर में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान पे रखनी चाहिए, एटलीस्ट क्या क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए, वो है आपका लाइफ कवर। अगर आप के ऊपर आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पास कोई लोन है जो कि स्पेशली बड़ा लोन हो, जैसे कि होम लोन हो गया, अगर आपने पर्सनल लोन लेके रखा है, तो आपको अपना टर्म कवर डेफिनेटली देना चाहिए, क्योंकि इनकेस आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली के ऊपर ये बर्डन ना आए कि उनको ये सारे लोन चुकाने पड़े। दूसरी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है मेडिकल कवर। तो आपको मेडिकल कवर अच्छी तरीके से लेना चाहिए, ना कि सिर्फ आपके लिए बट आपकी फैमिली मेम्बर्स के लिए। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ। इनफैक्ट जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ शॉर्ट में, उसका डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ अपकमिंग सेशन में। सो डू नॉट मिस टू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू गेट नोटिफाइड एज एंड व्हेन आई अपलोड दीज वीडियोज। चलिए अब बात करते हैं कि तीसरा वो कौन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको कवर करना चाहिए अपने रिस्क कवर के अंदर पर्सनल फाइनेंस में, वो है क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस एक तरह का मेडिकल इंश्योरेंस ही है, बट ये काफ़ी अलग होता है आपके मेडिकल इंश्योरेंस में। मेडिकल इंश्योरेंस में नॉर्मली रिक्वायरमेंट होता है कि आपको 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़े, बट क्रिटिकल इलनेस में ऐसा नहीं है। उसको ये मतलब नहीं है कि आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे आपकी क्रिटिकल इलनेसेस कवर होते हैं जो कि नॉर्मली मेडिकल कवर के द्वारा कवर नहीं किया जाता। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए कैंसर का, डायबिटीज़ का। तो इस तरीके के जो भी क्रिटिकल इलनेसेस होते हैं वो इसमें कवर होते हैं। कोई भी क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी होता है वो पहले ही लिस्ट करके देता है कि कौन कौन से इलनेसेस कवर्ड हैं, और इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कवर करना चाहिए आपके रिस्क कवर के अंदर, वो है इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड होता क्या है? इमरजेंसी फंड एक्चुअली वो कॉर्पस होता है जो कि आप अपने इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ करते हैं। अब इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी क्या मतलब, कुछ आग लग गई या फिर मेडिकल रिक्वायरमेंट हो गया, इन सब चीज़ों के लिए नॉट रियली इमरजेंसी। यू कैन ऑल्सो थिंक कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि अनप्लान्ड है, वो अचानक से आ जाता है और आपको उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, तो उस तरह की चीज़ों के लिए, इंसिडेंट्स के लिए आप अपना इमरजेंसी फंड यूज़ कर सकते हैं।
तो इमरजेंसी फंड जब भी आप यूज करें तो उसको रिफिल करना होता है। मान लीजिए कि आपने इमरजेंसी फंड बनाया 5 लाख का या 3 लाख का और आपने उसमें से 1 लाख यूज कर लिया, तो फिर आपको वापस से 1 लाख उसमें डालना पड़ता है ताकि आप अगले इमरजेंसी के लिए रेडी रहे। तो ये हो गया हमारा स्टेज वन विच इज रिस्क कवर। चलिए आप जाते हैं दूसरे स्टेज में। स्टेज टू इज ऑल अबाउट ओनिंग अ हाउस। ये सबका फेवरेट और चाहिदा टॉपिक है और सबको अपना घर चाहिए, मुझे भी चाहिए, बट ये डिसीजन घर लेने का क्या आपको इमोशनली लेना चाहिए या आपको फिनेंशियल सही डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आपका ये जो इमोशनल डिसीजन है कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपके फाइनेंस कैसे इम्पैक्ट होने वाले हैं। अगर आपकी सैलरी महीने के 1 लाख है तो उसमें से 30,000 में भी जाएगा आपका EMI के लिए, सिर्फ 70,000 बच जाएगा। 70,000 में आपको घर चलाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, दूसरे गोल्स के ऊपर ध्यान देना है, राइट? तो ये आपके लिए स्ट्रेस भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये डिसीजन इमोशनली नहीं लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए कैलकुलेटिवली बाय अंडरस्टैंडिंग योर कैश फ्लो। तो उसके लिए आप प्लीज पहले समझिए अपने इनकम और एक्सपेंस के पैटर्न को और फिर देखिए कि क्या अभी का टाइम जो अगर आप लोन लेते हैं तो वो आपके लिए कंफर्टेबल है। अगर आप अपने अर्ली 30s वगैरह में हैं तो आई वुड ऑलवेज से कि आप अपना कॉर्पस क्रिएट करें डाउन पेमेंट के लिए। इनफैक्ट मेरे जो क्लाइंट्स हैं मैं सबका 100% कॉर्पस क्रिएट करवाती हूँ डाउन पेमेंट के लिए। कैन यू इमेजिन? ऐसा नहीं है कि वो कुछ 20 लाख का घर लेते हैं। पीपल आर टेकिंग 1 करोड़ 2 करोड़ हाउसेस विथ कम्प्लीट डाउन पेमेंट। तो ये कैसे होता है? क्योंकि हमने पहले से ही प्लान करके रखा है, 7 साल 8 साल पहले से हम प्लानिंग करते हैं कि हाँ अभी फिलहाल हम घर नहीं लेंगे बट अगले 7 साल में लेंगे और उसको कैसे इन्वेस्ट करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर 100% नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट को रेडी कर पाए ताकि आप कम से कम लोन लें। क्योंकि जब आप लोन लेते हैं ना तो आप सिर्फ अपने एम्प्लॉयर के लिए नहीं अपने बैंक के लिए भी काम करने लगते हैं। तो आपको दोनों के लिए क्यों काम करना है? लेट योर मनी वर्क फॉर यू रैदर यू वर्किंग फॉर योर एम्प्लॉयर एंड बैंक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेज नंबर टू। अब चलिए देखते हैं स्टेज नंबर थ्री। इट इज ऑल अबाउट बीइंग डेट फ्री। डेट फ्री मतलब किसी भी तरह की लाइबिलिटी नहीं है आपके पास, किसी भी तरह का लोन नहीं है आपके पास। तो नॉर्मली लोग किस किस प्रकार का लोन लेते हैं? लोन सबसे पहला तो हमने पहले ही देख लिया कि लोगों को घर लेने की बहुत ही जल्दी होती है तो वो लोन पे घर ले लेते हैं। तो वो एक सबसे बड़ा हो गया पहला डेट जो लोग लेते हैं। दूसरा हो गया पर्सनल लोन, बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। तीसरा हो गया क्रेडिट कार्ड लोन। अब क्रेडिट कार्ड से लोन कौन लेता है, मे भी आप ये सोच रहे होंगे, बट अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है और अपने क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को EMI में कन्वर्ट करता है तो बेसिकली आपने क्रेडिट कार्ड से लोन ले रखा है और ये लोन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बल्कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। डिपेंड अपॉन बैंक टू बैंक, वो कोई बैंक मिनिमम 24-25% अप टू 50% तक चार्ज करती है अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को कन्वर्ट करते हैं EMI पेमेंट में। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा चाहें, कोशिश करें कि आपके पास किसी भी प्रकार का लोन ना हो, स्पेशली ऑल द एक्सपेंसिव लोन। मान लीजिए कि आपके पास 3-4 लोन है, ठीक है, आपने घर का भी लोन ले रखा है, आपने कार का लोन ले रखा है, आपने क्रेडिट कार्ड पे EMI कन्वर्ट कर दिया है तो बेसिकली वो लोन हो गया, या फिर आपने अपने किसी पॉलिसी के द्वारा लोन ले रखा है, लाइक सपोज आपके पास LIC पॉलिसी है उसमें भी लोन देने की फैसिलिटी होती है, उसके थ्रू आपने ले रखा है, तो बेसिकली आप बहुत ही बड़े चक्कर में फंसे हुए हैं। तो यहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है। अब निकलने की ज़रूरत है तो ऐसा नहीं है कि आपको सब अचानक से निकल जाना है, बहुत टेंशन लेना है, नहीं, इसको आप प्लान कीजिए स्ट्रक्चर्ड मैनर में। फिर देखिए कौन सा लोन आपका सबसे महंगा है, सबसे पहले उससे निकलना है। कैसे निकलेंगे? क्योंकि आपको तो लग रहा है भाई मेरा तो सब EMI में ही चला जाता है, मेरे पास पैसे कहाँ बच रहे हैं, बट नाउ यू विल हैव टू वर्क ऑन योर कैश फ्लो और आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो इनकम है और एक्सपेंसेस है वो किस पैटर्न में है, और फिर देखना पड़ेगा क्या आप कोई ऐसी एक्सपेंसेस हैं जिसको थोड़ा कम कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कंप्लीटली बंद कीजिए, क्योंकि ये एक हैबिट होता है। जब आप इस हैबिट के अंदर घुसेंगे तो धीरे 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 आप बहुत डिसिप्लिन हो जाएंगे और आप बिलीव नहीं करेंगे कि अगर आप अपने कैश फ्लो पे वर्क करें, मतलब कि आप आपके आपके इनकम को और एक्सपेंसेस को ट्रैक करें, तो आप एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं। ईजिली मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए डबल, मोर देन डबल सेविंग्स कराया है जस्ट बाई हेल्पिंग देम टू ट्रैक देयर इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपना इनकम
समझ ले कि कहाँ कहाँ से है। तो इनकम आपका कहाँ कहाँ से हो सकता है, मेजर सोर्स आपका सैलरी हो सकता है, या अगर आप की खुद की कंपनी है तो बिजनेस इनकम हो सकता है, फिर आपके पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहाँ से आपको इंटरेस्ट आता है, या फिर आपका कैपिटल गेन होता है क्योंकि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट को सेल किया और वहाँ से कैपिटल गेन हुआ, तो ये सारी चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हो। फिक्स्ड डिपॉजिट कराया उसका इंटरेस्ट हो सकता है, बट मेजरली आपके क्या क्या रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है उसको कंसिडर कर लीजिए। सैलरी हो गया, बिजनेस इनकम हो गया, रेंटल इनकम हो गया, ठीक है। और फिर आप देखिए आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, उस एक्सपेंसेस में आपके कौन से एक्सपेंस जो हैं बहुत ही ज़रूरी एक्सपेंस है, बेसिक्स एक्सपेंस है बेसिकली, जिसके बिना आपका घर नहीं चल सकता। आप रेंट पे रहते हैं, रेंट देना पड़ेगा, तो वो हो गया एक। खाना खाते हैं उसके लिए तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा, स्कूल बच्चे की है तो उनकी फीस हो गई, या फिर आपने लोन ले रखा है तो EMI हो गया, ये सारी बेसिक हो गई। फिर आ गया आपका लग्जरी एक्सपेंस। लग्जरी एक्सपेंस में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आप ईट आउट करते हैं, अगर आप देखें कि आप हर वीक ईट आउट करते हैं, क्या आप उसको 4 को कम करके 2 कर सकते हैं? वेरी मच पॉसिबल। इसके क्या आपका लाइफस्टाइल कम हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज बेसिकली आर बिकमिंग डिसिप्लिन पर्सन। सो उसमें 2 फायदे हैं, अगर आप ईट आउट बहुत ज़्यादा करते हैं तो फिर एक तो आपका ईट आउट कम करने से आपके एक्सपेंस भी कम हो जाएंगे, दूसरा आपका हेल्थ भी बेहतर होगा, क्योंकि बाहर का खाना तो ऑलवेज इज नॉट एज हेल्दियर एज वॉट यू ईट एट होम, तो घर का खाना तो बहुत ही सही है, तो आप ऐसे शुरू कर सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट बींग अ डेट फ्री, all about saving for your goals। यहाँ पे जो गोल्स हैं आपके वो सारे इंपॉर्टेंट गोल्स आते हैं, जैसे कि आपके बच्चे का एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, राइट। फिर अगर आपको वेकेशन में जाना है जो कि 1 in 2-3 years इंटरनेशनल वेकेशन विच इज़ क्लोज टू योर हार्ट, मान लीजिए दिस इज नॉट क्लोज टू योर हार्ट एंड यू फील कि इट इफ़ यू होता है तो अच्छी बात है, तब ये यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे वो सारी चीज़ें आएंगी जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो ये एग्जाम्पल हो गया बच्चों की। अगर मान लीजिए आपको एक कार लेना है, आपके पास कार नहीं है, आपको सिंपल सा कार लेना है, तो वो भी आ गया इसके अंदर। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि क्या क्या ऐसी आपकी फिनेंशियल नीड हैं जो कि आपका मोर और लेस लाइक इट्स नीड एंड नॉट अ वॉन्ट। तो नीड वाली चीज़ें जो गोल्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो इस तरह आप देख लीजिए कि आपके कौन कौन से गोल्स हैं जो कि यहाँ पे आने चाहिए, विच इज अंडर स्टेज 4। स्टेज नंबर 5, सो स्टेज नंबर 5 इज ऑल अबाउट रिटायरमेंट प्लानिंग। तो रिटायरमेंट प्लानिंग, आप सोच रहे होंगे कि अरे मेरा तो PF है उससे मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा, अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लेशन भी है ना, और हम सबका लाइफस्टाइल भी बढ़ता ही जा रहा है, तो इस वजह से सिर्फ EPF एक्चुअली एनफ नहीं है। आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है, बट दिस इज द फैक्ट। मैंने अभी तक 250 फैमिली से भी ज़्यादा लोगों का फाइनेंशियल प्लान बना चुकी हूँ, और ऑलमोस्ट 90% केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि आपका जो PF है वो एक्चुअली एनफ नहीं है। और बहुत सारे जो मेरे क्लाइंट्स हैं और बहुत ही अर्ली स्टेज में उन्होंने सेविंग शुरू कर दी, उन लोगों के लिए एक्चुअली ये एनफ होता है क्योंकि उनके एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट भी उसमें इंक्लूड करते हैं पूरे प्लानिंग में। सो इस प्रोसेस में वो एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट प्लस PF मिला करके रिटायरमेंट कॉर्पस एनफ होता है। बट अगर आप जस्ट अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है, तो डेफिनेटली आपका PF जो है, या फिर अगर आपने NPS भी ले रखा है, ग्रेचुटी, वो सब काफ़ी नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको आपका रिटायरमेंट के टाइम पे कितना पैसा चाहिए होगा ताकि वो आपके अगले जो भी रिटायरमेंट का टाइम है तब तक जो है आपके एक्सपेंसेस को कवर कर ले। अब यहाँ पे बहुत लोग बींग फाइनेंशियल फ्री की भी बात करते हैं, या फिर जल्दी कैसे रिटायर हो जाए। अच्छा, तो टू कवर दैट पॉइंट, आप रिटायर कब हो सकते हैं या फाइनेंशियली फ्री कब हो सकते हैं, जस्ट अ लॉजिक, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक। इसके पहले के जो सारे स्टेजेस हमने कवर किए, राइट, रिस्क कवर हो गया, स्पेशली इमरजेंसी फंडिंग हो गई, आपके बच्चे के गोल्स हो गए, आपकी हाउस अपनी खुद की हो गई, फिर आप डेट फ्री हो गए। जब हमारी सारी गोल्स कंप्लीट हो जाएंगी ना, तभी आप एक्चुअली में फ्री हो सकते हो, फिनेंशियली फ्री हो सकते हो या रिटायर हो सकते हो। अब ऐसा है क्या कि आप सोच सकते हैं कि अरे ऐसा सब तो तब होगा जब मैं एज 50 का हो जाऊंगा या 60 का हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, राइट। यू मे थिंक कि मेरे बच्चे की शादी के लिए तो अभी और 30 साल बाकी है, और मेरे रिटायरमेंट के लिए भी 30 साल बाकी है फॉर एग्जाम्पल। तो जब मेरे बच्चे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाएगी शादी की, एजुकेशन की, तब ही मैं फिनेंशियली फ्री हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। दिस इज़ नॉट द वे यू शुड बी थिंकिंग।
वॉट यू शुड बी थिंकिंग इज, आप मान लीजिए आज रिटायर होना चाहते हैं, तो वो कितना कॉर्पस है जो आपको एक्यूमुलेट करना होगा, जो कि ग्रो हो करके जब आपके बच्चे की शादी की एज आएगी या एजुकेशन का टाइम आएगा तब वो अमाउंट आपको मिल जाएगा, राइट? तो तब ही आप एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं या रिटायर हो सकते हैं, विच मीन्स आज का एक रुपए इज नॉट कल का एक रुपए, राइट? कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि कल का जो एक करोड़ है आज के लिए कितना है। तो इस तरह से आपको सारे गोल्स के लिए देखना होगा और जानना पड़ेगा कि वो एक कौन सा कॉर्पस है जो कि आज अगर मैं रेडी कर लूँ तो मैं आज फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, या फिर मान लीजिए आप अगले 10 साल में होना चाहते हैं फ्री, तो अगले 10 साल में वो कौन सा कॉर्पस नंबर है, वो फाइनेंशियल नंबर है जो कि आपको अचीव करना है बाय इन्वेस्टिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, सो दैट यू बिकम फाइनेंशियली फ्री अर्ली और रिटायर अर्ली। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज स्टेज नंबर 6, पैसिव इनकम। अच्छा, तो ये पैसिव इनकम होता क्या है? तो पैसिव इनकम एक्चुअली आप डिफरेंट वे में बना सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऐसा कॉर्पस रेडी करना है या ऐसा इंजन रेडी करना है या ऐसा सिस्टम रेडी करना है जो कि आपको पैसे दे अगर आप काम ना भी कर रहे हो तब भी। तो ये कैसे आ सकता है? चाहे तो आप कुछ ऐसा करें जो कि ऑटोमेटिकली आपके लिए इनकम जनरेट कर सकता है, आपने मे बी अपना ऐसा बिजनेस शुरू किया हो या फिर आप कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में आ गए हो जहाँ पे आपने अभी तो काम कर लिया बट वो आपको फ्यूचर में भी इनकम देने वाला है। और एज अ फाइनेंशियल प्लानर हम क्रिएट करवाते हैं एक पोर्टफोलियो, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ का पोर्टफोलियो जो कि आपको पैसिव इनकम देता रहेगा। दिस विल बी ओवर एंड अबव योर रिटायरमेंट कॉर्पस, ठीक है? सो दिस इज अबाउट स्टेज 6 एंड देन यू हैव डिस्क्रिशनरी गोल। तो डिस्क्रिशनरी गोल क्या होता है? ये एक्चुअली लग्जरी गोल होता है जो कि वांट होता है ना कि नीड होता है। तो इस स्टेज में हम सारे वांट्स को कवर करते हैं। तो इस तरह हमारे 7 स्टेजेस कंप्लीट होते हैं। जब आप अपनी सारी फाइनेंशियल नीड्स को इन सारी स्टेजेस में डाल के देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह आपके पर्सनल फाइनेंस में डिफरेंट डिफरेंट नीड्स है, और अगर आप उसको कवर करते हैं तो आपका पर्सनल फाइनेंस 360 डिग्री व्यू में कवर हो जाएगा और तब आपका पैसा आपको कंट्रोल नहीं करेगा बल्कि आप अपने पैसे को कंट्रोल करेंगे। अगर आज का ये सेशन लगा आपको वैल्यूएबल देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर अ लॉट मोर एवरीथिंग ऑल अबाउट पर्सनल फाइनेंस, दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड डू नॉट मिस टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट दे कैन ऑल्सो एक्टिवेट दैट फाइनेंशियल जीनियस एंड वी कैन ग्रो टूगेदर। Till then, take care, bye-bye, see you in the next session.